हम अमरनाथ के कबूतरों की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनकर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम अमरनाथ के कबूतरों की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनकर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये अमरनाथ के कबूतर हुए सदा के लिए अमर, ये अमरनाथ के कबूतर हुए सदा के लिए अमर। एक दिन भोले पार्वती भक्तों बैठे कैलाश, कर रहे बातें आपस में और कर रहे थे उपहास। बोली पार्वती, क्या भोले आपके मन में आया, योगी जैसा भेष आपने जो अपना है बनाया। तन पर भस्म रमाए बैठे पहनी मृग छाला, सोच सोच हैरान हूँ मैं ये कैसा रूप निराला। नर मुंडों की माला आपने गले में जो पहनी है, भेद जानना भोलेनाथ मुझको इसका भी है। सुन गौरा की बातें ये भोले मुस्काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनकर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये अमरनाथ के कबूतर हुए सदा के लिए अमर, ये अमरनाथ के कबूतर हुए सदा के लिए अमर। कहने लगे भोले गौरा ये बात जरा सी है, भस्म रमाए बैठे हैं क्योंकि सन्यासी है। मृग छाला के आसन पर जो बैठ के ध्यान लगाते, अपने आराध्य के दर्शन तो शीघ्र ही हो जाते। और गले में पहना हमने नर मुंडों का हार, जन्म तुम्हारे पार्वती जितने भी हुए लगातार। हर एक जन्म के साथ एक नर मुंड है बढ़ता जाए, गिन सकती हो मेरे लिए तुम कितने जन्म है पाए। रहस्य नर मुंडों का भोले उन्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनकर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, सुनकर भोले से बोली फिर माता पार्वती, जन्म मरण के बंधन से मुझे पानी है मुक्ति। अजर अमर हो आप तो भोले ऐसा करो उपाय, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मुझको मिल जाए। कहने लगे भोले संभावना इससे मुक्ति पाना, जो भी आता है इस जग में पड़े हैं एक दिन जाना। किंतु पार्वती माता तो अड़ गई है जिद पर, उनकी जिद के आगे हारे खुद भोले शंकर।
अमर कथा जो सुन ले अमर तो हो पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनकर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पार्वती सुननी है मुझको अमर कथा, जन्म मरण के बंधन की मेरी मिट ही जाए प्रथा। कहने लगे भोले मैं अमर कथा तो करूं बखान, किंतु उत्तम ढूंढना होगा इसके लिए स्थान। ऐसा हो स्थान जहां पर ना कोई प्राणी है, एकांत वास हो कथा जहां पर तुम्हें सुनानी है। घूम घूम कर देखे फिर स्थान कई सारे, चल चल के आखिर नंदी और गणपति भी हारे। जान न पाए भोलेनाथ आखिर क्या चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनकर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अमर कथा तो पार्वती ही सुनना है चाहती, किंतु साथ में आ गए हैं नंदी और गणपत भी। सबसे पहले भोले ने नंदी का त्याग किया, पहले त्याग से पहल गांव है इसका नाम हुआ। फिर भोले ने त्याग दिया माथे का चंदा भी, जहाँ पे चंदा त्यागा चंदन वाड़ी है वो ही। सर्पों की माला का जहाँ भोले ने त्याग किया, शेष नाग तो भक्तों है उस जगह का नाम हुआ। किंतु गणेश तो अब भी संग में चलते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनकर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ ने फिर तो है श्री गणेश का त्याग किया, गणेश ताप के नाम से जानी जाती है जगह। थोड़ी दूर चल कर के भोले पार्वती फिर आए, अपनी जटा से गंगा को भी अब है दिया हटाए। पंचतरणी के नाम से ये जगह है जानी जाती, पंच तत्व का त्याग किया फिर भोले ने यहाँ भी। एकांतवास में पार्वती और भोले फिर आए, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और जहाँ पे कई गुफाएं। एक गुफा में भोले पार्वती फिर आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनकर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
कहने लग भोले गौरा से उत्तम ये स्थान, कोई भी प्राणी नजर न आता, जगह बड़ी सुनसान। बजा के डमरू फिर भोले तो लगे नृत्य करने, सुन डमरू की डम डम प्राणी लगे सभी डरने। भोले के डमरू की डम डम जहां तलक जाए, सुन के भयंकर ध्वनि प्राणी कोई न टिक पाए। दूर दूर तक अब तो कोई नजर नहीं आता, कहने लगे सुन पार्वती अब अमर कथा में सुनाता। किंतु इसको सुनने के तुम्हें नियम बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनकर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शीतल और पावन मन करके अपना ध्यान लगाना, बीच बीच में हुंकारे भी गौरा भरते जाना। अमर कथा को नित्य निरंतर सुनते जाना है, ना निद्रा ना आए उबासी ना सुस्ताना है। बोली गौरा भोलेनाथ जो नियम आप बताए, करूंगी पालन कथा सुनूं मैं अपना ध्यान लगाए। भोलेनाथ ने शुरू किया फिर अमर कथा को सुनाना, किंतु भोले पार्वती ने इतना ना जाना। एक कबूतर के दो अंडे वहां रह जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनकर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अमर कथा अब भोलेनाथ माता को रहे सुनाए, बीच बीच में हुंकारे माँ गौरा भरती जाए। करके आंखें बंद वो भोले कथा है रहे सुना, अमर नहीं हो सकती क्योंकि कथा को सुने बिना। नेत्र बंद थे भोले के उन्हें कुछ भी ना सूझे, सुनते सुनते कथा को अंडे के बन गए चूजे। अमर कथा है लंबी बड़ी ये खत्म नहीं हो पाए, चूजे थे जो बड़े कबूतर बनने को आए। ज्ञान की वर्षा भोलेनाथ बरसाए जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनकर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अपनी ही धुन में लगे हैं कथा सुनाने, थक कर सो गई पार्वती ये भेद नहीं जाने। अमर कथा भोले के मुख से चलती रही लगातार,
कबूतर बीच बीच में भरते हैं हुंकार। भोलेनाथ ने सोचा के सुन रही है पार्वती, अमर कथा को सुन के अमर वो हो गए दोनों भी। खोली आंखें भोले ने जब कथा का हुआ समापन, देखा पार्वती सोई गहरी निद्रा के कारण। किसने सुनी फिर अमर कथा वो जानना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनकर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ ने गौरा को निद्रा से जगाया है, बोले अमर कथा को तुमने व्यर्थ गवाया है। किंतु यहाँ है और कोई जो भरता था हुंकारे, जलने लगे हैं नेत्र भोले के फिर तो क्रोध के मारे। क्रोध में भर के उन्होंने अपना उठा लिया त्रिशूल, कौन है प्राणी कथा सुनने की जिसने की है भूल। सुनता है तो तुरंत ही मेरे सामने आ जाए, वरना क्रोध की अग्नि से मेरी ना वो बच पाए। फिर तो कबूतर सामने दोनों आ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनकर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करने लगे वो विनती भोले हम पर करो दया, आपने ही तो कथा सुना कर हमको अमर किया। आप जो चाहो ले सकते हो पल भर में ही प्राण, किंतु अमर कथा का होगा भोले ये अपमान। अमर हुए हैं आपके मुख से अमर कथा को सुनते, हम सेवा में आपके भोले सदा रहेंगे तत्पर। भोलेनाथ को फिर तो दया उन दोनों पर आई, लगे सोचने अमर कथा इनको मैंने ही सुनाई। पार्वती के संग हिमलिंग में भोले समाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनकर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अमर कबूतर का ये जोड़ा आज भी देखा जाए, भाग्यशाली वो नर है जिसको दर्शन हो पाए। अमरनाथ की गुफा में वैसे कई कबूतर हैं, श्वेत कबूतर का एक जोड़ा किंतु यहाँ अमर है। श्रावण मास में अमरनाथ की यात्रा जब चलती है, श्वेत कबूतर के दर्शन से किस्मत खुलती है।
हिमलिंग में है यहाँ विराजे भोले पार्वती। अमर कबूतर की भी भक्तों पावन कथा यही। सुनते हैं जो कथा कुदर्शन का फल पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनकर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मलिक ने सबसे पहला दर्शन पाया था, एक दिन भेड़ चराने जब वो यहाँ पे आया था। फिर तो लगा है हिमलिंग के वो रोज ही दर्शन करने, भोलेनाथ का अपने मन में लगा है नाम सुमरने। एक साधु बाबा के हो गए उन्हें वहाँ दर्शन, कौन ये सन्यासी है बूटा सोचे मन ही मन। एक पोटली कोयल की उनको साधु ने दी, बोले खोल न बूटा इसको घर जा कर के ही। जाना कैसे नाम ये बूटा समझ न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनकर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। घर आकर के बूटा ने जब पोटली को खोला, देखा कि वो कोयला बन गए सारा ही सोना। उल्टे पाँव फिर दौड़ के बूटा गुफा में आया है, किंतु उस सन्यासी को तो ढूंढ न पाया है। लगा सोचने बूटा वो तो स्वयं थे भोलेनाथ, अपनी कृपा का जिसने रख दिया मेरे सर पे हाथ। अमरनाथ की महिमा फिर तो सबने जानी है, डीएस पालन भक्तों को जो कही कहानी है। फौज सुरेश भी चरणों में सदशीस नवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनकर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।